हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको बैटल ग्राउंड्स की नई नई जो अपडेट आ रही है उन्हीं चीज़ के बारे में। दोस्तों अभी बैन होने की अपडेट आई है, क्या सच में ये बैन होगा या नहीं होगा, क्यों ये सब हो रहा है, क्या हुआ सो बैन होने की बात हो रहा है, उनकी संभावना बन रहा है कि बैन हो जाएगा, इन्हीं सारी चीज़ के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए दोस्तों हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का गेम के लॉन्च का इंतजार करोड़ों लोगों का है, बहुत लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन और नई नई अपडेट आ रही है बैन होने का। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है कि ये बैन हो जाए, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इतना आसान नहीं है कि बैन हो जाएगा, क्योंकि इसे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियन इस पर नई नई सवाल उठा रहे हैं, जिसमें से एक है निजामाबाद लोकसभा का पीएम अरविंद धर्मपुरी है। उन्होंने एक लेटर लिखा आईटी रविशंकर को, जिसमें उन्होंने लिखा इसका डाटा सिंगापुर और इंडिया में स्टोर किया जाएगा, सभी गेमर्स का डाटा सिंगापुर और इंडिया में स्टोर किया जाएगा। तो उन्हीं पर सवाल उठा, यह जगह इंटरनेशनल ट्रांसफर पर को अनुमानित करता है, यहाँ पर उनके अनुसार इसलिए इस जगह पर ट्रांसफर डाटा स्टोर करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने यह लेटर लिखा। और इसी बात पे कई सारे चर्चे हो रहे हैं, नई नई बातें सवाल उठ रहे हैं, यही कारण है। और इसी कारण से इनको थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया है, और देख रहे हैं अभी अगला नोटिफिकेशन क्या आता है। और जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि इसका प्री रजिस्ट्रेशन पिछले महीने से ही हो रहा है, उसी प्री रजिस्ट्रेशन को अभी तक में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर 2 करोड़ से अधिक आदमियों ने अपना प्री रजिस्ट्रेशन करवा चुका है। तो दोस्तों इसके लिए आप घबराइए मत, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आएगा ही। दोस्तों थोड़ी लेट भले ही क्यों ना हो, लेकिन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आएगा ही। ये चाइनीज आइटम है, इसके लिए भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई जब चाइनीज यहाँ इंडिया में बंद है तो ये क्यों आए, नई सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं बाकी अगला नोटिफिकेशन क्या आता है, लेकिन अभी हमारे अनुसार दोस्तों ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जरूर ही आएगा इंडिया में। तो दोस्तों आप बताइएगा। तो दोस्तों हमने सारी बातें बता दी, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर ऐसा ही नोटिफिकेशन यूट्यूब से रिलेटेड या गेम एवं फोन टीवी इत्यादि के लॉन्चिंग का पता चाहते हैं, और लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आपको यूट्यूब से रिलेटेड किस प्रकार का वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए।